हाँ मेरी फेवरेट है प्रांजल दैया भाई। प्रांजल दैया प्रॉपर है, जाटनी छोरी है और भाई बढ़िया समझा रही, बढ़िया बोल रहा है और बढ़िया चाल रही है। हाँ एक लड़की है भाई जीनत है, जब हमारा 52 गज का बिना चल रहा था, गज बिना चल रहा था, तो उसने बहुत मतलब छोटे 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 गिफ्ट जुगर चावल के दाने पर नाम अपने हाथा था लिखना, छोटी छोटी कम से कम 101 तभी 32 गिफ्ट थे एक छोटी ही, मतलब उसमें हमने देखा ना वे अनमोल है, वे आज भी हमारे स्टूडियो में धरे हैं। तो उस लड़की ने भेजे थे, ऐसा नाम उसका जीन पर। हाँ जुकर मेरे द्वारा सारे कलाकार बैठे हैं, लेकिन मैं कभी खुल कर कहूँ दिलेर एक ऐसा कलाकार है जो कुछ भी खाता पीता नहीं है, सिगरेट बीड़ी मांस मिट्टी दारू बिल्कुल भी नहीं। हाँ दिलेर जुकर आपा है ना, मैंने बताई नुगाड़ दिया ग्राम आपस में, या हमारी बैड बिट मान ले कुछ मान ले, जब आपा दोस्त बैठे हैं खुल पास। सब तो पहला राम राम भाई सारे भाई ना, मैं अंकुश एयर वॉइस मीडिया चैनल पर तार स्वागत है भाई। आप चर्चे चरण देखने लग रहे हो भाई, मुकेश जाजी भाई परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं भाई। डीजे बगाने सुने होंगे तब ना भाई, घर में सुने होंगे भाई, बाढ़ के लीड ला गए रेस भी मारे भाई, इनके गाने ला गए गजबन पानी ने चल ली 52 गज का दामन भाई, तो इन भाइयों ने गाने लिखे थे। तो भाई भाई का सबसे पहला चैनल पर स्वागत करा, तो राम राम भाई। राम राम भाई जी, सबसे पहले अंकुश भाई के चैनल में सब्सक्राइब करो भाई, एयर वॉइस मीडिया नाम भाई के चैनल का सपोर्ट करो। धन्यवाद भाई, और ठीक ठाक? हाँ बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई, तो भाई शुरुआत करा आपा कि इस लाइन की शुरुआत अपन क्यों करी, क्योंकि जितना सुना है दर्शक ने हमने भी कि आप पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे हो, ठीक ठाक मतलब बहुत ऊपर कर रहे हो उसका, तो यूं के सोचा कि गाने लिखा, अगर क्या ने भी कुछ कही होगी भाई तू ठीक पढ़ रहा है इस लाइन में क्यों जाओ है भाई। कई साल पहला शायद आपने पता है अंकुश भाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया था कॉलेज टाइम में, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था सेकेंड ईयर चल रहा था, तो उसके बाद मैं हर एक इंटरव्यू में बता दूं, हालांकि मैं शर्मान लाग लिया है बात बताते हुए, आपकी मेरी जो भी युवा बंदे हैं उनकी लाइफ में लड़की होया अगर लड़की होगी उसके में लड़का होगा, तो मारी में भी थी भाई, चोट लगने के बाद धीरे धीरे दूर हो गए थे, तो उससे कि उसमें जिक्र कई हादसे हो गए थे, मेरे चोट लग गई थी, एक मेरा खास दोस्त था वो एक्सपायर हो गया था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो एक लड़की नहीं लेकिन कई हादसे हो गए थे मेरे साथ, उनने की वजह से मैं सैड लिखने लग गया था। अच्छा। तो यार दोस्त मेरे तब बहुत प्यार कर रहे हैं, उनने फिर कही गया इनका गाना बनाया जाओ, फिर गाने बनाए थे ठीक, पब्लिक का प्यार मिल गया, यार फिर आज आपके आ गए भाई आपकी दुआ। तो मतलब कहने का मतलब आप इस लाइन में जो मोटी मोटी कहा लड़की हो जाता है ना, लड़की था तो कह सके, लेकिन उसके उसते ही लिखना चालू कराया था। हाँ। तो भाई इस लाइन में अपनी जो सपोर्ट के आग रहा है, आपको पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद सब डाल था सपोर्ट चाहिए, पैसा था भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए, तो आपने इतनी सपोर्ट कुकर मिली? मेरी सपोर्ट भाई वैसे तो पूरी फैमिली कर रहे हैं भाई, बेबे भाभी सब, लेकिन अगर सब तो बड़ा बताऊँ, मेरे बड़े भाई हैं भगत सिंह, उन्होंने मेरे तब पूछी थी भाई तू क्या करना चाहो, फिर मैंने कही भाई मैं यो करना चाहूँ, वो बोला बिंदास कर मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, आज तक खड़ा हूँ भाई। अच्छा भाई, कति जो मैं मुँह में तक काटूँगा चीज कितने तक पैदा करनी पड़े वे कर रहे हैं भाई। तो मतलब भाई का अंत है फुल सपोर्ट मिल रहा है? हाँ भाई भाई नहीं, मेरी फैमिली, मेरा गाँव है जाजी, अच्छा मेरे दो भतीजे हैं जो करूँ तो 4-5 हैं, लेकिन जो इस लाइन में मेरी सपोर्ट कर रहे हैं जो कर अमन जाजी अजय धनखड़ वे मेरे पैर बनकर आए, और जो मैंने सोचा भी नहीं था वो उन्होंने मेरे तक दिया भाई। तो अपने यार दोस्त भी हुआ है अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में वो टांग खींचनिया भी हुआ है, सारा देनिया भी हुआ है, तो कई इसे भी मिले होंगे अपन है भाई के काम कर रही हूँ छोड़ दे कुछ नहीं हासिल होता है न्यू नहीं होता डिमोटिवेट कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मिले भाई नेगेटिविटी के बंदे, और बोता ना यूँ भी कहा ना कर पावा यार और कुछ कर ले, तो इतना पढ़ रहा फार्म भर ले जॉब लाग जा जल्दी मिल जाएगी जॉब, लेकिन इस लाइन में जो बंदे कम थे ना भले वे गिनती में कम थे, लेकिन उनने मैं टूटन नहीं दिया हारन नहीं दिया, वे मेरे तक किक देते रहे कि ना करेगा मेरा, हाँ मेरा भाई है करेगा, मेरा दोस्त है करेगा, और कहीं ना कहीं फैमिली तो अलग बताऊँ तो मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरी परछाई हैं, कदे भी नहीं टूटन देंगे वे, मैंने साइड देखा ही नहीं सकते, मैं हाड़ा ऑफिस में बैठा हूँ यूँ भी दिख गया ना फोन पर भी कि मेरी आवाज़ सैड है, जब भाई गाड़ी लेकर आ जाए चल आंट गाँवेंगे बिना काम भी हम आए हफ्ते टूर पर चले जाया करें, मतलब फिट कहूँगे भाई ने भाई कदे डिमोटिवेट हो रहा हो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मतलब कोई भी ऐसा कलाकार जब आपने यू काम स्टार्ट कराया आपके गाना गाने मना कर दिया? नाम तो ना ले पाऊँ पर बहुत थे भाई, नाम लूँगा था क्योंकि मेरा आज थी किसी कलाकार के लिए बिगड़ी ना है, हालांकि उनने मैं दुत्कारा नाट्य उसके बाद भी माज थी किसी तब बिगाड़ता नहीं, आगे तो राम राम कर दिया करूँ। अच्छा। के राम राम भाई साहब, तो मतलब ई जब आप बन गए मतलब आप लिखन लागे गाने, आपके गाने ट्रेंडिंग में भी चले हैं, तो उन कलाकार के जिस तक आपने मना जो आप तक मना कर गए थे उनके फ़ोन भी आ जाए हैं कि भाई मारा गाना लिख दे? हाँ बिल्कुल, सब गेल काम कर लिया भाई भगवान की दाद ने, सब की गेल लग थी, और अब मन उन तय सास भी नहीं होने दिया कि कदे ही छः दिन भी थे कदे भी नहीं भाई। हाँ
तो मतलब उन्हें कोई ऐसा भी मिला जो माफी मांग दो भाई उस टाइम पर चल जो होगी ये अपने अब चल मिलकर काम करेंगे। ना ना भाई ऐसा कुछ नहीं है कि माफ़ी मांगी और ना मैं इसी नो बताने दिया कि अगले ने माफ़ी मांगनी पड़े, मैं शर्मिंदा ना कराया करता भाई। खासा ध्यान नए बड़का पे रहेगा कि नया हमारे की बराबर माँ है, जिस तरीके की भी हेल्प हो मैं कर दिया करूँ भाई, क्योंकि उन चीज़ा में मैं लुकड़ा करूँ कि धोखे खाए हो रहे हैं, कोई भी बालक ऐसा हो ना कि हाँ मैं कर पाऊँ वह मैं कर दिया करूँ। तो भाई आपके ज़्यादातर गाने दिलेर घर किया रेणुका पवार होगी ये गाँव है, तो मतलब और कलाकार आप गाने दिन दे को नहीं या मतलब आप इन्हें तक गाने दो न दे भाई। रुचिका गिल मारे दो आ लिए, आज भी एक चुंदड़ी आया है, अच्छा अंजलि है एक निनानिया उसने भी मेरे तीन चार गाने कर रखे जो विद वीडियो है, दिलेर भाई गेल भी है, सुरेंद्र रोमियो गेल भी है, अनु कादन गेल भी है, सपना जी ने कर रखे, अमित चौधरी ने कर रखे भाई, तो लगभग सारे कलाकार गेल हैं भाई मेरे। लेकिन ऐसा है कि जो गाना थोड़ा दब्या रह जाए उसका पब्लिक ने ना बेरा पाटता, और जो थोड़ा क्लिक हो जाए तो उनके बेरा पाट जाए भाई, बस यही। तो भाई दिलेर खरकिया गेल अपनी मुलाकात फर्स्ट मीटिंग कद हुई? दिलेर खरकिया गेल फर्स्ट मीटिंग भाई मेरी हुई थी, मेरा पुराना स्टूडियो था सोनीपत, उस स्टूडियो में हुई थी, और उससे दिन भाई ने मतलब दिल जीत लिया था। हालांकि कुछ बंदे कहते हैं ईगो है फलाना, लेकिन एक कलाकार ने जो कर घरा और तरीके से रहना पड़ा है, बाहर और तरीके से रहना पड़ा है, तो मैं उसने उसकी ईगो नहीं कह सकता। मारे थे यार ये होया अगर भाई कि कोई बंदा दूसरे थे कि साहब मारे थे अगर ओके है ना तो ओके है, और मैं तो उसने दूसरे थे भी नहीं करता भाई, भाइया का भाई है और बढ़िया चल रहा है, थोड़ा मेहनत के तान है भाई ना, तो एक टाइम अगर दिलेर भाई का बैकग्राउंड में आ रहा है ना बता सकता, लेकिन आप कितना पढ़ो उसके इंटरव्यू में सुनो भाई ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत स्ट्रगल करा मतलब जिस जो लाइफ अपनी खेलन खान की उस टाइम पर स्टेज पर गाने बहुत पेट में दर्द हो जा रहा था, गोली लेकर फिर गा रहा था, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, और उसके पापा जी हैं अंकल जी राजेंद्र जी, अब वो देख लो किस सिचुएशन में थे, लेकिन ये भगवान ने अच्छे दिन दिए हैं, और बड़े सियाने भी कह रहे हैं कि मेहनत के फल ना भगवान भी राख नहीं सकता, देगा वारी सवेरी देगा भाई। तो भाई कोई भी ऐसी मॉडल मतलब जब आप इस लाइन में नहीं थे अपना वो मॉडल पसंद थी ना? कोई मॉडल पसंद नहीं भाई, मैं अक्सर आप इस मार्केट में बूझ लियो घूमते रहो, अक्सर मॉडला ने सिंगरा ने जो लड़की है बेबे बोल दिया करो, और उन्हें बेबे का रिश्ता निभाए रखा करो, इसी कोई गलत थिंकिंग ना, अगर इसी हो तो मैं शादी करा लूँ, और आज कोई नाट भी ना सकता भाई जिस तो मैं इस बात बात करा अपने द्वारा प्रपोज भी अंदर लड़के है बतेरे आज, तो आपने उन किस तरीके से हैंडल कराया? बस मैं बता दूं कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अपना सब कुछ बोली खातर नहीं छावर कर रखा है कि भाई काम पे ध्यान रहेगा, या सच्चाई भी लड़की में पट गया तो भाई काम पर ध्यान ना। तो मतलब ये बात आपने बताया तो शादी करनी है नहीं? बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं करनी शादी, कति ना है भाई, और ऐसा नहीं कि मैं लड़कियाँ तो बात नहीं करता, एज ए फ्रेंड बहुत सी लड़कियाँ जो मेरे तो बात कर ले हैं, पर लेकिन बोला को नहीं होना, बोला होगा देख रहा क्या भाई। तो कोई भी ऐसा दिन जब आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा था, एक दिन कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया? हाँ भाई, स्ट्रगल चल रहा था और उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो बहुत बुरा दिन तो था मतलब वो बिल्कुल टूट गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर मैं बताने लग रहा फिर मेरे दोस्त फैमिली मन कदे टूटन ना देते भाई, समझाया, और मेरे पापा जी भी कहा करते कि जब भी बंदा टूटे ना तो अपने तो निचला देख लेना चाहिए कि वे बंदे भी जी रहे, तब ये सोच लिया करूं भाई मैं। तो मतलब जब आप एक तो मतलब नाम गाना ऐशा में आने लग गया आपका, जब गाना ऐशा में नहीं आया था तो लोग के सोचे हैं कि वल्गर गाना गा दे, बूंदा गंदा गाना गा दे, तो उससे एकदम तो नाम आने लग जाएगा, नाम तरक्या में चलने लग जाएगा, तो आपने नहीं सोचा कभी मैं भी ऐसा गाना लिखूं? ना, इसी तक संस्कार थे नहीं भाई कि कुछ गलत करें, और बाकी बड़े बूढ़े भी कह रहे बद्दा एक बार हिट हो सके, बार बार नहीं, अच्छी चीज़ वो जो हिट होगी वह डटी रहेगी और लंबा टाइम थी नाम कमा के देगी, और दस बंदे कहेंगे कि अच्छी चीज़ है। जो एक आपको सपोर्ट दोस्तों ने भी करी, भतीजा ने भी करी, सब ने करी, लेकिन उनको आ रहे हैं जो मेन सपोर्ट है, वह मेन सपोर्ट आपने कितने में? मेन सपोर्ट मैंने बताई, अगर सारे का तो नाम नहीं ले सकता, किसी एक का लूँगा तो सारे रूस जाएंगे, तो दोस्तों ने भी करी, और मेरा बड़ा भाई मैंने बताई भगत सिंह, उसने मतलब सब कुछ जोक दिया था मेरे ऊपर जी भाई। तो मतलब आप अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपके डेली गाने भी आए हैं, तो मतलब आप प्रीवियस से इसमें शूट करे समय में या शूट हो आने लग रहे हैं? कई शूट करे हैं कई, यार ये भगवान के साथ बैक टू बैक चल रहा है काम, एक रोडियो तैयार करी, कुछ हो रही हैं, कुछ सिस्टम में है, आगे शूट होने लग रहे हैं, एक रिलीज हो रहा है, एक अगला शूट हो गया, तो न्यू चैन सिस्टम चल रहा है भगवान की दाद। तो भाई गाने बाड़ क्यों हैं मतलब गाने हाथ की कलम जो है उनकी बढ़िया है, बढ़िया गाने लिखे हैं, लेकिन उन नू नहीं बेरा अपना गाना कित देवा किस पर गवा मतलब अगली प्रोसेस नहीं बेरा, तो उनने बताओ और उनने क्या गाना चाहिए?
देखो भाई उनकी वैसे तो एक सिंगर की तो मैं पूरी मदद कर सकूँ क्योंकि मेरा घर का म्यूजिक है। एक राइटर की मैं पूरी मदद यूँ ना कर सकता कि हम सिंगर नहीं है, मैं सिंगर बाहर तक बुलाया करूँ, उसकी पेमेंट दे दिया करूँ और वो मेरा काम कर जा। तो एक राइटर की तो मैं खुल कर मदद या कर सकूँ, कोई भी राइटर हो हरियाणा में, कोई भी हरियाणवी लिखता हो, मैं पंजाबी हिंदी ना मतलब हूँ सुन लियो हूँ, लेकिन अपने दिल तक मैं सपोर्ट ना करता भाई, अपनी बोली तो प्यार करा, अपनी ना सपोर्ट करा है। मेरे द्वारा 52 गज के बाद ऑफर आया है कति बढ़िया वाला हिंदी गाना लिखने का, लिख दूंगा कति आराम तक, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने नकार दिया और कद्दे देख लिया कोई गाना ऐसा मिलेगा नहीं जो हरियाणी में तो अलग होगा मेरी कलम से, कद्दे भी नहीं बोली चलानी है अपन। हाँ, बिल्कुल भाई। तो भाई देख लो भाई, भाई ने बताया जो अगर सिंगर है कोई भी आवाज़ बढ़िया है तो भाई भाई द्वारा कॉन्टैक्ट कर सको भाई, जाजी गाँव है भाई का, भाई ने जैसा बताया तो भाई। अरे आपने सिंगर राइटर की भी सुन ली होगी, तो राइटर की आधी बात रही, राइटर की मैं यूँ कहना चाहूँ भाई कोई भी राइटर हो मैं उसकी इतनी मदद कर सकूँ, मेरे दोहराओ या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लो, अपना गाना भेजो, जो मेरी नॉलेज होगी, मैं बड़ा लेखक ना हूँ, बस जोड़ तोड़ कर लें, जो भी मेरी नॉलेज में होगी मैं बता दूंगा भाई आड़े तेरी कमी है। हाँ इतना जरूर ना करना पड़ेगा, सिंगर दोहराओ ना पहुँचाना पड़ेगा अपनी लिखाई, हर सिंगर भी बतेरे सुधर रहे हैं, नए नए बालक के दिल में दया भी है, अगर उन्हें दम दिखा तो भी लेंगे यार करेंगे भाई। तो भाई क्यों है अपने लड़कियां खातर तो छोड़ो, लड़कियां खातर जब भी कोई लड़की इस लाइन में आवा है तो उसके घर के यार रिश्तेदारी उनका दे भाई छोड़ो इस लाइन में के दे रहा है कुछ नहीं है इस लाइन में, एक बदनामी का इशारा करते हैं कि वाकई में रहने इंडस्ट्री ऐसी ना भाई, यूं तो ना कह सकते कि इंडस्ट्री ऐसी है, लेकिन मैं बड़े बुढ़े भी कह रहे पचू अंगली एक सी ना होंगी, हर या कोई इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, आप किसी महकमे में चले जाओ गंद किस महकमे में नहीं हो बताओ, हर महकमे में गंद मिलेगा, हर महकमे में अच्छे आदमी भी मिला है, तो वो एक लड़की के ऊपर भी है कि वाकई सुस्ता चल रहा है भाई, तो सारे का गंदे ना यार, सारे इस इंडस्ट्री में भी गंदे ना भाई, मारी है रेणुका है और बतेरी अंजलि है, कई तो ऐसी सिंगर है जिन्हें मैं बेबे को राखी बंधवाऊँ, तो वे मारे आड़े कम तक मारे आड़े स्टूडियो में तो सेफ हैं, कति अपने घर में रहें अपने ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से हैंडल करा अगले ने किस तरीके से बोला। हाँ तो भाई देखना करो भाई की सोच ने सलूट करा भाई, आप भाई का नेचर भी बहुत बढ़िया है, तो भाई ऑल टोटल मिलाएगा वही बात है अपने ऊपर डिपेंड हुआ सब कुछ जो भी हुआ है। तो भाई अब वो करा बात करा पंजाबी इंडस्ट्री की, तो पंजाबी इंडस्ट्री में कौन सा जो सिंगर अपना बढ़िया लगे? सारे बढ़िया गाँव भाई पंजाबी, जो कर ऊँ भी हम पंजाब में तले खड़े हो रहे हैं और गायकी के मामले में पंजाब सीनियर है, वह बात फिर आ जाए, किसी एक का नाम ना ले सकता, लेकिन सैल्यूट है भाई वे आ गए हैं, हम जरा से पीछे हैं उनते मारी टक्कर बाज रही है, और भाई मैं तेन कहूँ सारे कलाकार हाथ जोड़ के भाई आंगा लाओ अपनी बोली ना कति बराबर में टेक दे पंजाब की भाई। तो भाई वही बात है सारे एक का नाम ले तो रूस जगह कोई रूस से भी तो क्या। अच्छा 52 गज के लिखने के बाद तो अपने दौर तक कोई पंजाब तक भी कोई सिंगर का फोन आकर भाई मेरा गाना लिख दे? हाँ पंजाब तक कॉन्टैक्ट मतलब सीधा सिंगर का नहीं आया, लेकिन उनकी मैनेजमेंट मतलब कई आगे कॉल आई कि भाई ऐसा कुछ करा है, लेकिन ऐसा कुछ उड़े तो ना नकारा है इसलिए हुई कि वे बोल रहे थे काम उड़े तो डब करके भेजेंगे या इसमें पंजाबी ऐड करो आधा ऑफ आप कर ले, फिर उस चीज़ पर मैं थोड़ा ना अट गया था मगर ना। हाँ आने वाले टाइम में कई जो सीनियर हैं नाम सुने मैं नाम ना अनाउंस कर पाऊँ जो उनके गिल गाने आओगे अपने, लेकिन वे हरियाणवी में गाओगे आड़ा के गा के जाओगे वे आओगे कई आगे डन हो रही है मेरी बात। तो भाई कोई भी ऐसा फैन जिसने कुछ अटका कर दिया आपके खातर जो आज तक याद हो? हाँ एक लड़की है भाई जीनत है, जब मारा 52 गज का बिना चल रहा था गज अपने चल रहा था, उसने बहुत मतलब छोटे 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 गिफ्ट जुगर चावल के दाने पर नाम अपने हाथा था लिखना छोटी छोटी कम तक कम 101 तभी 32 गिफ्ट थे एक छोटी ही मतलब उसमें हमने देखा ना वे अनमोल हैं वे आज भी हमारे स्टूडियो में धरे हैं, तो उस लड़की ने भेजे थे ऐसा नाम उसका जीन थे ऐसा। हाँ तो भाई देख लो मतलब फैन है वो है भाई कुछ भी कर सके हैं, कहने का मतलब ये तो फीलिंग हुआ भाई अपनी। तो मतलब आपने जब 52 गज का दमन लिखा तो आपने नू लग गया था कि यू गाना इतनी ऊंचाइयां छू जाएगा? ना बिल्कुल भी नहीं भाई, देख गए गाना एक कलाकार का बेटा बेटी हुआ है जो किसान फसल ने पाला करे नू हम उम्मीद था हर गाने तो है कि भाई यू आर पार हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बनानिया उसने आम पब्लिक और हरियाणा भाई जो मैं मतलब शब्दा तो बयान नहीं कर सकता कि थैंक यू बोलूँगा तो शर्मिंदा हो जाऊँगा, लेकिन उनका एक बार है मेरे ऊपर शायद मैं पूरी ज़िंदगी ना उतार पाऊँ, इतना बड़ा गिफ्ट दे रखा है इस बोली ने मेरे तक।
तो भाई आपने उसके पाछे उसका हिंदी वर्जन भी हो गया है 52 गज के दामन का, तो नू के सोची कि हरियाणवी तो कर दिया इसका हिंदी भी करा। वो हिंदी वर्जन हो गया कंपनी के अकॉर्डिंग, उसमें मेरी लेखनी नहीं है भाई, मेरी लिखाई नहीं है। हाँ यह जरूर है कि कंपनी ने मेरी परमिशन मांगी थी कि जैसा कुछ कर लेवे अगर आपकी परमिशन होता है, फिर उड़े बात आ गई थी। मैंने कही अगर हिंदी करो होता जी मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैं हिंदी नहीं लिखूंगा। वे बोले आप परमिशन तो दे दो, परमिशन पूरी है क्योंकि मैंने हाथ टांग खींचनी कदे आई नहीं, परमिशन पूरी है जी, लिखाई मेरी नहीं होगी। हाँ परमिशन मैंने दे दी थी भाई। तो भाई नए नए जो कलाकार हैं, नए नए जो सिंगर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, जिन्हें मोटिवेट नहीं मिलना मिल पा रहा, डिमोटिवेट कर रहे हैं लोग, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? बस मैं देखो समझदार नहीं सारा काफ़ी हो है, और मैं घना हाँ बोलूँगा तेन कहेंगे भाई ज्ञान पेल है, लेकिन माँ बाप का प्यार अलग हो है, और कोई यार दोस्त जब को हैगा ना वो आर पार बात कहेगा, और यार दोस्त वो यार दोस्त मेरी नज़र में यार दोस्त नहीं जो शीशे का काम ना करे। शीशे का काम का मतलब आप शीशे में फेस देखोगे ना, अगर आड़े फुंसी है पिंपल है तो वो दिखाओ आगे आड़े पिंपल है। एक सच्चा दोस्त भी शीशे का काम करे, अगर वो गाड़ देवे कुछ देवे गाड़ देगा संबोधित करेगा कि तेरे में कमी है, और वो अगर मान लेगा ना भाई कमी है तो वो सच्चा दोस्त है। और वो फद्दू बंदा है जो सच्चे कहनी आता है गैप बना लेगा और फद्दुआ में बैठा है, तो आँख भगवान सबकी खोल है, लेकिन ये सारा पकड़ने वाला चाहिए कि भगवान तेरे दाड़ा ही सारा दे रहा है। तो भाई एक सवाल अपना, अगर आज आप राइटर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं राइटर नहीं होता तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैकेनिक ट्रेड था भाई, सेकेंड ईयर चल रहा था, ऑब्वियसली भाई मैं जॉब करता। तो मतलब आपने क्रिया की जो यू हादसा हुआ अपने बाद, उसके बाद आपने राइटर का काम किया है, गाने लिखने चल रहे हैं, अगर यह कला आप में नहीं होती तो आप तब भी जॉब पर लगते? हाँ बिल्कुल लगता, अगर ये ऑप्शन नहीं चुना जाता चोट नहीं लगती, तो शायद मैं इस लाइन में कभी सोची भी नहीं थी आने की। वो तब जो चोट लगी बस बेड पे लेटे लेटे ने भाई कलम उठा ली थी, फिर दोस्ता की सपोर्ट था यार, घर वाला की सपोर्ट था, ले ठीक हो गया। हरी हरियाणा बल्कि पूरा इंडिया ही प्यार दे रहा भाई। आप तय आपके करीबी हैं दिलेर खरकिया, अंजलि राघो कलाकार हो गए, या मतलब रेणुका पवार हो गए, करीबी तो सारे हैं लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इनके बारे में कोई भी एक बुरी बात और कोई एक अच्छी बात? बुरी कुछ नहीं भाई, जुकर आपा बैठे हैं, दिलेर की बता दूँ, दिलेर जुकर असाया कराम ने सारे ने ऑफिस में बैठे होंगे, और गायक है बहुत बढ़िया गायक है उच्चे लेवल का, लाइव में मैं एक मिनट में कह दूँ दिलेर भाई कुछ सुनाया करे। और भाई दिलेर भाई की खूबी तो गणी है, जो कि मेरे द्वारा सारे कलाकार बैठे हैं, लेकिन मैं कभी खुल के कहूँ दिलेर एक ऐसा कलाकार है जो कुछ भी खाता पीता नहीं है, सिगरेट बीड़ी मांस मिट्टी दारू बिल्कुल भी नहीं। हाँ दिलेर जो आपा है ना मैंने बताई नुगाड़ दिया ग्राम आपस में, या हमारी बैड है बिट मान ले कुछ मान ले, जब आपा दोस्त बैठेंगे खुल कास से बोल लेंगे लगड़ा है। रेणुका, अगर रेणुका की बताऊँ सुरीली है, अच्छा गाव है, लेकिन बच्ची है कई बार बचकाना हरकत करते है, तो यह उसकी बैड मान ले गुड मान ले भाई ये है। अंजलि राघव बढ़िया है मॉडल, बहुत बढ़िया मॉडल है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणवी आपने तो नहीं पता होगा हरियाणवी, हाँ बहुत कम आवा है, बहुत कम आवा, या उसकी गुड मान ले बैड मान ले। हाँ मेरी फेवरेट है परांजल दैया भाई, परांजल दैया प्रॉपर है, जाटनी छोरी है, और भाई बढ़िया समझा हरियाणवी, बढ़िया बोल रहा है और बढ़िया चाल रही है भाई। तो लागे लोग एक बार उसकी और बता दो किसकी भाई परांजल दैया। अच्छा खुद बैड एयर गुड है भाई, गुड तो सारी है, गुड तो मैंने गिना दी, बढ़िया छोरी ठीक चाल रही है, और भाई बैड का मैंने बेरा नहीं, मुंह फट मान ले उसका, जो चुभेगी ना वहाँ कॉल करके कह देगी, मुंह पकड़नी है। हाँ मुंह पर कुछ भी चुभगी तो वहाँ कहे बिना रोएगी नहीं, चाहे उन्हें स्पेशल गाड़ी लेकर आना पड़ो वहाँ कह देगी। तो भाई कोई भी ऐसा कलाकार जिसके साथ काम नहीं करे और करना चाह रहे हो? लगभग सब गेल कर लिया भाई, और यूं नहीं कि मैं फलाने गेल करना चाहूँ, भगवान की दाते न्यू जरूर भाई, कोई मारे दर पाओगा तो हम जरूर करेंगे, और आगे तो नू को ना हम किसी गेल करना चाहूँ। तो भाई गुलजार छन्नी वाला आज के टाइम पर हरियाणा ने चढ़ा रहा है, उसके बारे में क्या? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, और मारे तो पहला हाइट था छोरा, और भाई आम से कितने पहुँच जाऊँ, जो मारे सीनियर है मैं सदा सीनियर रहेंगे भाई, तो उस छोरे ने भी सैल्यूट है भाई, क्योंकि छोरा अपनी बोली थी काम जो भी कर रहा ना कोई कलाकार हो किस से वे में, तो उसने सैल्यूट है भाई। तो आप मिले हो भाई? ना मैं नहीं मिला भाई, बात हुई मारी फ़ोन पे 52 गज के दामन पे भी सारी चीज़, पहला भी एक दो बात हुई थी लेकिन मिले नहीं भाई। तो भाई ये थे भाई अपने गेला भाई मुकेश जी भाई, नेचर व्यवहार थिंकिंग ला लो भाई, जो कुछ ऑलराउंड मिला के टोटली मिला के भाई बहुत बढ़िया नेचर है भाई का, और तब भाई तब ने थिंकिंग देखे ली होगी भाई, तब भाई ने किसी भाई ने एक बार और बता, किसी भाई ने मिलना हो तो कुकर कॉन्टैक्ट कर, कुकर आवा
भाई सोनीपत है जिला मेरा, और सोनीपत में जाजी गांव है गुआना रोड पे। कोई भी आ जाओ ऑफिस पे, हम नहीं मिलेंगे, कोई तो मिलेगा। और मेरे द्वारा कॉल कर, भाई द्वारा नंबर है, भाई पर नंबर ले लियो, आने पहले एक दिन पहले कॉल कर दियो। जो मेरे पर मदद बन पाओगे एज ए कलाकार, जरूर करूँगा, चाहे कोई हो भाई। बिल्कुल भाई, तो भाई देख लियो, तो हम इसे सोचने सल्यूट करा पावे भाई किसी भाई ने, जब सच में मदद चाहिए हूँ भाई ऊ तो कॉल करियो ना कि भाई मतलब दिमाग खराब करने थी जिससे भाई अगले परेशान हो जाए। तो भाई जिन्हें सच में मदद की जरूरत हो भाई कॉल कर लियो, नंबर ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इनका धन्यवाद करो जो टाइम दिया, तो धन्यवाद भाई। ओके थैंक यू भाई, जय हरियाणा, जय हरियाणी, राम राम, राम राम भाई।